साबिक वजीर आजम सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब, मखदूम अहमद महमूद साहब प्रेसिडेंट साउथ पंजाब साबिक गवर्नर, नवाब साहब इफ्तिखार साहब दोस्त मोहम्मद कोसा साहब, रजा रबानी खर साहब, ख्वाजा रिजवान साहब, स्टेज पर बैठे सारे कादरीन और खासकर आसिफ दस्ती साहब, स्टेज पर बैठे सारे कादरीन और पंडाल में बैठे सारे लोग, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले इधर शुक्रिया अदा करना चाहूंगी दस्ती साहब का और उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूंगी जो आज उन्होंने वर्कर कन्वेंशन बुलाई है। यकीन करें दिल खुश हो गया। जैसे कि आपको पता है 30 नवंबर को पीडीएम का जलसा है और 30 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की योमे तासीस भी है, तो मैं आप सबको इंतजार करूंगी कि आप लोग उसमें शिरकत करें और आप लोग अपनी खवातीन भी लेकर आए। मैं यहाँ पर अपनी बहनों को भी सलाम पेश करूंगी कि जो कि आई है और काफी देर से इंतजार भी उन्होंने किया है। मैं आप लोगों को दावत भी देती चलूँ कि आपने खासकर 30 नवंबर को मुल्तान आना है और जलसे में शरीक होना है। जलसे का मकसद ये जो कठपुतली हुकूमत है इसको अपने पहुंचाना है। इसको हमने जहां से ये हमने इनको वापस पहुंचाना है। ये जो कठपुतली हुकूमत है इसने हमारे होश उड़ा दिए हैं। किसान जो है वो मजबूर हो गया है, गरीब जो है गरीबतर हो गया है। आटे की कीमतें देखें, बहरान देखें, गंदम का बहरान देखें, जो आपकी अदवायात है उनकी आप कीमतों में इजाफा देखें, तो हमने इसके खिलाफ जंग लड़नी है। और आप सबको दावत दूंगी, आप लोग आए उसमें शरीक हो और हमारे इस मिशन को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इस मिशन को कामयाब बनाए। आखिर में मैं नारा लगाऊंगी, आप सब मुझे उसका जवाब दें। नारा भुट्टो।